कि आपको कैमरे में थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से ये यहाँ से देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट जैसी लाइनिंग आपको साउंड में आ रही होगी यहाँ से अभी, मतलब चल रहा है ये सब पल्लू है, ठीक है। और ये इसका स्कर्ट, जैसे स्कर्ट यहाँ चल कर भी हो गया, बॉडी का पूरा भाग, पूरा रोल जो है ये एक एक तार से बना हुआ है, जो कि ये पूरा हो गया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपको जो है यहाँ पे ये में जो ये ब्लैक बी में बन रहा है, ठीक है, ये न्यू डिजाइन है। ये रोल दिख रहे हैं आपको ब्लैक रेड एंड कॉपर के, ये पूरा एक एक तार आप देख सकते हैं ये पूरा। सो वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मार्केट एक्सप्लोर की एक फ्रेश वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा जो है सिल्क साड़ीज़ का पूरा एक वाइड स्टॉक आपको दिख रहा है। तो आज की वीडियो में सिल्क साड़ी के मैन्युफैक्चरर की वीडियो आपको देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से आपको वीडियो देने की। तो देख सकते हो ये है जो पूरा का पूरा कच्चा आपका माल, ये देखिए सिल्क के कच्चे माल, इसके बाद आपका चरक होगा और उसके बाद आपका जो है फिनिशिंग होने के बाद पैकिंग होगा। आगे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आफ्टर जो है कंप्लीट, यानी कि पूरा प्रोसेस होने के बाद ये आपको जो है स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा गाइस किस तरीके से इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारा प्रोसेस लूम पे कैसे किस तरीके से वर्क करता है, वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए पूरा फुल स्टॉक किस तरीके से आपको मिल जाता है, पूरा वाइड आपका जो है स्टॉक यहाँ पे मेंटेन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर भी यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाता है, ये देख लीजिए आप इस तरीके से, मतलब यूँ कह लीजिए कि हर डिज़ाइन में आपको एनी टाइम 500 पीस आपको यहाँ पे रेडी मिलेगा। सो चलिए आपका आगे का प्रोसेस समझाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे सारा इसका प्रोसेस होता है और वर्क होता है। गाइस अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्टॉक मेंटेन देखने को मिल जाता है। मैं सारे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको स्टॉक भी दिखा रहा हूँ और पूरा मशीन का प्रोसेस दिखाऊंगा एक रियल जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से। और यहाँ पे एनी टाइम आपको 500 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए एक डिज़ाइन में तो भी पॉसिबल है। ये देख लीजिए ये पूरा जो है अभी कच्चा माल रेडी है, ये देखिए इसका सारा प्रोसेस होना बाकी है, लाइक फिनिशिंग करना और उसके बाद उसका पैकिंग करना, वो सारा प्रोसेस है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको जो है आगे का प्रोसेस। ये देख लीजिए इधर भी आपको माल देखने को मिल जाता है, बाकी का प्रोसेस है स्टेयर का। तो डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके पहले भी आपको यहाँ पे स्टॉक मिल जाता है एक और आपका जो है स्टॉक, अलग अलग यहाँ पे जो है सारे सेक्शन बना रखे हैं, मतलब स्पेस की वजह से यहाँ पे भी आपको स्टॉक मिल जाता है। सो यहाँ पे भी आपको फुल स्टॉक मिल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से कितना ज़्यादा आपको वैरायटी अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए ये सिल्क का कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आराधना फैशन से किस तरीके से आपको यहाँ पे एनी टाइम 1000 प्लस आपको जो है स्टॉक मेंटेन यहाँ पे मिलेगा। ये सभी ओरिजिनल जो है जरी हैं, ये सारे के सारे एक एक कलर के इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक मिलेगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, बने रहिए इस वीडियो के साथ, स्किप मत करना, बहुत ही स्पेशल आज की वीडियो होने वाली है। सो गाइस अब आपको दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग से, मतलब कहाँ से आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो स्किप मत करना, पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आराधना फैशन से हैं मेरे साथ राजजीत सर, स्वागत है जी। नमस्ते, आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा बताएं थोड़ा। जैसे कि ये स्टार्टिंग प्रोसेस यहीं से होता है, जैसे कि पहले बीम, और अच्छा। बीम से पहले जो जरूरत है वो होती है यान की। अच्छा। तो ये यान के पूरा फुल स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहेगा, और हर प्रकार का यान अवेलेबल रहेगा हमारे पास, ठीक है जी। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं ये खाली बीम रहेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। बीम कहते हैं? हाँ जी, ये इसको बीम बोलते हैं, ठीक है जी। और हम आगे चलेंगे, ये देख सकते हैं सारे बॉक्सेस हैं यान के, और इसमें सारे जो है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रेड कलर का यान आप इसमें देख सकते हैं, पूरा रेड कलर का यान इसमें रहेगा। अलग अलग कलर्स के जितने भी कलर्स होते हैं उस सब प्रकार का आपको यान मिल जाएगा। आप बैक साइड देख सकते हैं, ये पूरा यान का स्टॉक रहेगा, हर यान का 10 से 15 बॉक्स हमारे पास फुल स्टॉक रहता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये पैरोट कलर का आपको यान मिल जाएगा। अच्छा, ये होता है पूरा यान, यान होता है, ये ओरिजिनल यान रहता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पूरा जरी का पूरा आपको, जैसे कि यान जो बोलते हैं उसको पूरा भरा हुआ रहेगा ये पूरा। अभी ये सीधा डायरेक्ट मशीन पे चढ़ेगा, ठीक है। और ये एक एक तार से पूरा साड़ी बनने वाला है। अच्छा जी, और ये देखिए ये रोलर काफी यूनिक लग रहा है, जैसे कि इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ये पूरा रोल जो है ये एक एक तार से बना हुआ है, जो कि ये पूरा भरेगा, उसके बाद में पूरा वीविंग का पूरा रोल जो बनेगा, अच्छा, तभी वो मशीन पे चढ़ेगा। ये पूरा जो है एक एक बारीकी से देखा हूँ तो मैं बैक साइड से आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक एक तार से बना हुआ है ये पूरा रोलर। जब यहाँ तक एंड तक भरेगा तब ये पूरा साड़ी का प्रोसेस पूरा होगा। जरी जैसा जो लुक आ रहा है ये कॉपर जरी का लुक है। हाँ जी, ये पूरा कॉपर जरी है जी। जी और आज जो
जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एक एक यहाँ से पूरा मिक्स तार आएगा और आगे जाके पूरा कॉपर का एक तार बन जाएगा, फिर ये पूरा रोलर यहाँ तक भरेगा। राइट, हाँ जी। अच्छा, इसके पीछे का जो बैकएंड पे काम होता है वो थोड़ा समझाइए, मतलब इसके पीछे का काम। इसके पीछे आप देख सकते हैं जी, जितने ये रोल दिख रहे हैं आपको ब्लैक रेड एंड कॉपर के, ये पूरा एक एक तार आप देख सकते हैं, ये पूरा बारीकी से आपको दिखा दूँ, 1000+ यहाँ पे रोल रखे हुए हैं। ये जो है ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पे अलग अलग आपका जो है ये अपने बाल से भी पतले जो होते हैं वो यान होता है। अच्छा, उसको बारीकी से इसमें छेद उसमें डाला जाता है, उसके बाद ही आगे जाता है वो सब। अच्छा, इसमें अलग अलग कलर इसके यहाँ। हाँ हाँ, अलग अलग जैसा साड़ी बनाना रहेगा वैसे कलर का रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आगे का भी प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद आपको रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाऊंगा। जैसे कि ये देख सकते हैं आप पूरा, ये देखिए ये पूरा जो रोल है यहाँ से भी ये पूरा तार गया हुआ है, जैसे ये रोल है पूरा, तो इसका यान आप देख सकते हैं यहाँ से ही अंदर गया है, अभी वो एंड तक वहाँ तक जाएगा जहाँ तक ये रोलर चल रहा है वहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, ये पूरा अलग अलग कलर से रहता है। देखिए पूरा किस तरीके से अलग अलग कलर होते हैं। अच्छा, इसके बाद का प्रोसेस समझिए। हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं ये पूरा जरी का यान है, ये आप देख सकते हैं जो रियल जरी, ये देखो अभी रोल चल रहा है तो ये पूरा यान आप देख सकते हैं पूरा चल रहा है, जैसे कि आपको कैमरे में थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से ये यहाँ से देख सकते हैं आप, एक जैसी लाइनिंग आपको समझ में आ रही होगी यहाँ से अभी, मतलब चल रहा है ये सब अभी। राइट, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ से ये इसमें से प्रोसेस स्टार्ट है, निकलना स्टार्ट यहाँ से निकलेगा और वहाँ एंड तक जाएगा, एंड तक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये प्रोसेस होता है। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। पहला स्टेप अपना रहेगा बोबिन से, कि मेन जो चीज होती है वो बोबिन से स्टार्टिंग होती है हर चीज। ठीक है, जो ये जो शब्द आपने बोला, हाँ, वो होता क्या है एक्चुअली? ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये बोबिन होता है, ठीक है, एक बड़ा रोल होता है, उसके बाद में इसको छोटी छोटी साइज में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद में छोटी सी मशीन में लगता है जो कि आप वीविंग जो बोलते हैं। अच्छा, ये वीविंग का बैक साइड का ये भाग होता है, जो साड़ी में वीविंग होता है। हाँ जी, इसी बैक साइड का पूरा ये है प्रोडक्ट। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि हम बढ़ेंगे, ये आप मशीन देख सकते हैं इसका, ये बोबिन का स्पेशल मशीन होता है, इसके अंदर और कुछ काम नहीं होता है, ओनली फॉर ये बोबिन का ही काम करती है। अच्छा, ये उसी का मशीन ही है? हाँ जी, स्पेशल मशीन होता है ये। ये मैं आपको गाइस दिखा रहा हूँ इस तरीके से कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरा प्रोसेस। और ये यान हो गया, राइट जी, ये जैसे यान है ये वहाँ से, ये बड़ी साइज है, अब ये पूरा तो मशीन में लगना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी ये आप देख सकते हैं छोटी साइज हो गया। अच्छा, अब ये मशीन में लग सकता है। अच्छा, पहले ये जो होता है एक्चुअली ये पूरी तरीके से खाली होता है, खाली होता है ये पूरा, आपको खाली मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये तो भी भरा हुआ है लेकिन आपको ये पूरा खाली मिलने वाला है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। राइट, ये इस तरीके से होता है इसका, और ये इसके अंदर ऐसे लगता है, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार इसमें लगता है। ये देखिए पूरा इस तरीके से लगता है, उसके बाद यान इस पे रोल होते हैं। हाँ, इस पे पूरा यान रोल होता है। ठीक है, ये पूरा उसी का मशीन प्रोसेस। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जानेंगे कुछ और प्रोसेस। पहला स्टेप हमारा आ जाता है यहाँ पे। जी सर, ये पहला स्टेप होता है पीछे की साइड में जो बीम होता है वहाँ से एक एक यान आगे की साइड आता है, फ्रंट साइड आता है, और यहाँ से पूरा एक एक यान को जोड़ा जाता है। ओके, उसके बाद ही साड़ी का बुनना, मतलब कि बनना चालू होता है। ठीक है जी, ओके, ये होता है प्रोसेस। हाँ, और यहाँ पे साड़ियाँ लग रखी हैं। जैसे फिर यही बीम पूरा उठा के इसको इस मशीन में डाला जाएगा। अच्छा, ये पीछे का पूरा पोर्शन होता है बीम का। हाँ जी, उसके बाद ये वीविंग होना चालू होगा। ये आप देख सकते हैं, इसके आगे कहीं आपको फैब्रिक अंदर नहीं आएगा लेकिन इसके बाद में आपको फैब्रिक नजर आएगा। अच्छा, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी साड़ी में हम देखते हैं कि फैब्रिक के ऊपर वर्क होता है। हाँ, बट सिल्क में ऐसा नहीं होता है। सिल्क में कोई फैब्रिक होता ही नहीं, एक एक तार से ही फैब्रिक बनता है। ये जो यान होती है इसी से जो है इसका फैब्रिक का रूप लेता है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ये जो होता है ये एक्चुअली जरी होता है, क्या होता है ये? ये पूरा जो आप देख रहे हैं जो चमकीला भाग है ये पूरा जरी का भाग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ जी। और ये उसके बाद आपका सारा प्रोसेस, अगर नीचे दिखाऊं तो डिजाइन आपका रेडी यहाँ पे। ये आप यहाँ से दिखाइए, ये पूरा पल्लू है। ठीक है, और ये इसका स्कर्ट, जैसे स्कर्ट यहाँ चल कर भी हो गया, बॉडी का पूरा भाग हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये सब जो डिजाइन अवेलेबल होती है पॉसिबल है? नई डिजाइन है? नहीं, ये नई नहीं है, ये हमारी रेगुलर डिजाइन है और डेली के 1000+ ऑर्डर है इस डिजाइन के, इसीलिए हमेशा आप देख सकते हैं ये 4 से 5 मशीन एनी टाइम आपको चालू नजर आएगी, स्पेशली ये डिजाइन। हाँ जी, मतलब ये सब आपकी एडजस्टिंग डिजाइन। हाँ हाँ, ये हमारे कैटलॉग में अवेलेबल रहेगी, 9000 की सीरियल में आपको अवेलेबल मिलेगी ये सब। ओके, और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया रूबिन, ये बोबिन का पूरा जो है ये इसके अंदर लगता है इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं ये लगता है। हाँ जी, इसके अंदर लगता है। ठीक है, ओके। और ये जो भाग होता है ये पूरा इसके अंदर जाता है, इसके साथ में इसका बुनना चालू होता है। ओके, ये प्रोसेस होता है। चलते हैं अगले डिजाइन की तरफ,
और आपको कुछ और नई चीजें दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ये देखिए ये ब्लैक बी में बन रहा है, ठीक है, ये न्यू डिजाइन है, अब ये कैटलॉग में जल्दी आने वाली है। ओके हाँ जी, ये जो टैग होता है इससे क्या डिफाइन होता है? ये मीटर का टैग होता है, कितना मीटर तक बन रहा है इसका टैग होता है। ओके, बाकी ये सारी जरी है? हाँ जी, ये पूरा जरी का ही काम है। ओके, पूरा वीविंग और जरी का ही काम रहेगा, प्रिंट कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, ये मशीन एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, ये डिजिटली किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में? इसके हर एक मशीन के ऊपर एक आदमी अवेलेबल रहता है एनी टाइम, हर मशीन पे। जी, जैसे कि इस जगह पे अपना 12 मशीन है तो 12 लेबर एनी टाइम रहेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूंगा इस कि ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये स्पेशली संडे के दिन शूट हो रहा है, अगर हम वर्किंग डेज में शूट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मशीन को रोक पाना, क्योंकि अगर 10 मिनट भी मशीन रुकती है तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, इस वजह से आज के दिन हमने प्रेफर किया और आपको दिखाने का ट्राई किया। एक और डिजाइन देखिए, ये बहुत ही, ये जो आप देख रहे हैं ये सिल्वर में बन रही है, आप यान देख सकते हैं, ये सिल्वर कलर के यान में आपको नजर आएगी। राइट, और येलो कलर के और ब्लैक कलर के बीम के साथ में आपको ये बन रही है। अच्छा, नीचे जो है वो यान है, ऊपर जो है सिल्वर जरी? जी, नीचे यान रहेगा, ऊपर जरी रहेगी। ठीक है, और ये उस तरीके से आपका प्रोसेस सारा हो जाता है। बाकी का आप मशीन का भी देख सकते हो, ये इस तरीके से रहता है। एक ये डिजाइन देख लीजिए, जैसे कि यहाँ तक आगे आपको कुछ भी ऐसा फैब्रिक वगैरह नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके एग्जैक्ट बाजू में आपको नजर आएगा, जैसे ये बन रही है बूटी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से बूटी बन रही है। ठीक है, और आपको पीछे भी दिखाऊंगा कैसा वर्क होता है, क्या प्रोसेस होता है वो भी दिखाऊंगा, भले ही वीडियो को स्किप मत करिए, स्पेशल वीडियो। और खास बात यहाँ पे है कि अगर आपको कोई डिजाइन बनवाना है तो आप मेक ऑर्डर भी बनवा सकते हो यहाँ से। हाँ जी हाँ जी, देख लीजिए, सूरत से पहली बार आपको दिखा रहा हूँ सिल्क साड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। ये बहुत ही अच्छी डिजाइन देखिए आप, ये न्यू डिजाइन है। ठीक है, और ये पूरा गोल्डन जरी में बन रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, प्योर गोल्डन जरी में ही बन रहा है। हमारी मोस्टली डिज़ाइन प्योर गोल्डन जरी में ही होती है, हम धागे का इस्तेमाल बहुत, जैसे काफ़ी लोग धागे का इस्तेमाल करते हैं इसी की डुप्लीकेट बनाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये देखिए, ये पूरा सिल्वर में बन रहा है, मैंने आगे आपको दिखाया भी है। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करके आप बताइए कैसा, किस तरीके से स्टार्ट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मशीन स्टार्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा वॉइस कट होगा, साइलेंट मोड में ये मशीन चालू होने वाली, इसकी वजह से मेरा वॉइस बंद हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं चालू करके। जी सर, क्या रहेगा ये? जैसे कि ये डिजाइन अभी यहाँ पे प्लेन एरिया है, ठीक है, मैं आपको इसका दिखा दूँ कि ये किस प्रकार से बना हुआ, वीविंग का जो बना हुआ भाग होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप जो है यहाँ पे ये मैं जो एक्सेस कर रहे हैं, हाँ, रोल जो है वो बन गया है, उसको मैं फ्रंट पे लेके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये जो ये पल्लू बन रहा है और ये इसका पीछे का बैक साइड का भाग, और इसके बैक साइड में आपको दिखा दूँ, ये पूरा इस प्रकार से होता है। अच्छा, ये पूरा फिनिशिंग होता जाता है? ये पूरा गोल्ड जरी का है, जो कि आप अभी पूरा वीविंग होगा, उसके बाद में इसका फिनिश होगा, कट होगा, ये सफाई। नीचे ये जो है ये बॉडी है? हाँ, ये फ्रंट पल्लू बन रहा है अपना। ठीक है जी, देख लीजिए आप इस तरीके से बन रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है। और इधर भी डिजाइन आपका, एक और डिजाइन यहाँ पे लगी है? हाँ, ये हमारे कैटलॉग में मिल जाएगी, अवेलेबल है, फुल प्रोसेस में ये बन भी रही है। एडजस्टिंग डिजाइन है? ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं, समझते हैं। जैसे स्पेशल वीडियो है, और आप जो है ये जो है ये ट्रिपल बीम में बन रहा है, यानी कि सिंगल बीम डबल बीम तो हर सूरत में बनाता ही है लोग, ये ट्रिपल बीम में बन रहा है, जो कि ब्लैक कलर का स्पेशल बीम लगता है, जो कि बैक साइड होता है, आपने काफ़ी साड़ी में देखा होगा ब्लैक साइड का बीम, ब्लैक कलर का बीम बना होगा, धागा यूज किया हुआ, वो इसी से स्पेशल बनता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये यान है। ओके, जो साइड में बॉर्डर बनता है वो इसी यान से बनती है, और ये पूरा गोल्डन आप देख सकते हैं, ये पूरा ओरिजिनल जरी का काम किया हुआ रहेगा। ओके जी, ये होता है पूरा प्रोसेस, देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर ये ब्लैक बीम है। हाँ जी, ओके, मोस्टली डिजाइन ब्लैक बीम में ही बनती है। ठीक है जी, और चलिए मैं आपको कुछ इनके डिजाइन दिखाता हूँ, कितने वेरिएबल से नए डिजाइन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। इनका ऑफिशियल चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको रेगुलर वीडियोज मिलती हैं। ये क्या रहेगा सर? ये गोल्डन जरी का येलो बीम है, येलो बीम जो स्पेशल जरी की डिजाइन बनती है, उसमें टोन टू टोन जिसको बोलते हैं वो ये टोन टू टोन के लिए होता है, यानी कि वीविंग भी येलो कलर का ही मिलेगा इस डिजाइन में आपको। अच्छा हाँ जी, ये होता है प्रोसेस जी। और भी चलते हैं, ये
पूरा बैक साइड का निकाल रहा हूँ, इसके अलावा भी उधर भी बैक साइड आपको मिल जाएगा। ये क्योंकि पैरेलल मशीन का सिस्टम पूरा एक्सेस हो रहा है, चल रही है, ये भी कुछ अलग गेम की तरह। और अभी हम जो है ये गन सारा प्रोसेस डीप में समझाने की ट्राई किया, और इधर जैसे कि ये बन रहा था आपका पूरा प्रोसेस। आपको सैंपल दिखाते हैं।